दोस्तों बहुजन परिवार के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्या दलितों ने मांग की थी अलग देश की या वो कुछ और चाहते थे। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने बहुत सी समस्याएं थी, जैसे कि भारत का संविधान कैसा हो, राज्य व्यवस्था कैसी हो इत्यादि। भारत के आज़ाद होते ही बहुत से लोगों ने अलग देश की मांग की और बहुत से लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या थी दलितों की मांग और क्या थे बाबा साहेब के विचार, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों बाबा साहेब ने चुनाव प्रचार के सिलसिले में दक्षिणी भारत का दौरा किया। वहां मद्रास, कोयम्बटूर व मदुरई की जनसभाओं को संबोधित किया। वहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है, जिसमें भारत के भावी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वापस लौटते समय मद्रास के पार्क टाउन के मेमोरियल हॉल में दक्षिण भारत प्रगतिशील दल का विकास और प्रभाव विषय पर आयोजित सभा में विचार रखे। मद्रास में ही नॉन ब्राह्मण लॉयर एसोसिएशन आयोजित सभा में अम्बेडकर ने काले कानून से भरी किताब मनुस्मृति पर तेज प्रहार किया। बाबा साहेब के तीखे भाषणों को अखबार में पढ़कर दक्षिण भारत के हिंदुओं ने भारी विरोध किया और बाद में पत्रों द्वारा अंबेडकर को खूब गालियां दी। यही नहीं, कुछ रूढ़वादियों कट्टरपंथियों ने उन्हें मारने की भी धमकी दी। दोस्तों जनवरी 1946 के पहले सप्ताह में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 10 मेंबर का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। मंडल ने दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना और डॉक्टर अम्बेडकर से अलग अलग मुलाकात की। अंबेडकर से प्रतिनिधि मंडल ने 1.5 घंटे तक चर्चा की। मंडल ने देश के कुछ इलाकों का दौरा भी किया तथा अन्य नेताओं से भी मिला। 4 सप्ताह रुककर यह मंडल 10 फरवरी 1946 को वापस लौट गया। दोस्तों फिर 13 फरवरी 1946 को अंबेडकर बंबई पहुंचे और वहां से वह सोलापुर गए। वहां लोकल बोर्ड और नगर पालिका में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मूले को सम्मान से याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मूले के सहयोग से ही उन्होंने 20 साल पहले सामाजिक क्षेत्र में शुरुआत की थी। इसके बाद सतारा, बेलगाम और अन्य सभाओं को भी संबोधित किया। बम्बई लौटने पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अंबेडकर को थैली भेंट की। 14 फरवरी को बाबा साहेब ने दिल्ली प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यदि संविधान उनकी सहमति से नहीं बनाया गया तो वह उसको मानने के लिए पाबंद नहीं होंगे। दलित वर्ग मुस्लिमों की तरह अलग देश की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि वो बराबरी के अधिकार की मांग कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह बाबा साहेब अंबेडकर और दलित वर्ग बराबरी के अधिकार की मांग कर रहे थे, ना कि अलग देश की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले बहुजन परिवार के ऐसी ही रोचक वीडियो में। जय भीम, जय भारत।